छप्पन लोकसभा बहराइच के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर आनंद कुमार गोंड के समर्थन में विधानसभा बलहा के उर्रा में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। जनसभा स्थल पर पहुंचते ही भाजपा समर्थकों का फूल मालाओं से स्वागत किया। जनसभा स्थल जय श्री राम एवं योगी मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर मोदी सरकार अब की बार 400 पार का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जी के नाम की सुनामी चल रही है। मोदी गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। सपा गुंडों एवं भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। हमारी सरकार का संकल्प है सबका साथ सबका विकास। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आनंद गोंड के जीत के लिए समर्थन मांगा। दीवारें ढा दो उतर आवे तो भी यह कर नहीं सकते। और 2047 माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और रहेगी। इसलिए साइकिल पंचर है, हाथी दुबला हो गया है, पंजे को जनता ने मरोड़ दिया। थैंक यू, धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।